टीवी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं अम्बेडकर टावर, जहां शिक्षकों का धारणा हो रहा है। आइए देखें इसका। और गेट को हमारे व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों से आग्रह है कि आप कृपया मुख्य द्वार जो है उसको खाली रखें, जिससे आने में कठिनाई का सामना हमारे शिक्षक बंधुओं को नहीं करना पड़े। जब नए लोगों से परिचय होता है तो वे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं मैं नियोजित शिक्षक हूं। उस समय हमें बहुत ही वह दृष्टि से देखते हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षक में किस कोटि के हैं? दूसरा जी वाले हैं कि तीन जी वाले हैं? फिर उस समय और हमें वो गवाही महसूस होती है कि समाज में हमें किस स्तर से देखा जा रहा है। यह स्तर सरकार ने बनाया हुआ है, योजना का लाभ दिया। आज से हमारे जो वरीय शिक्षक हैं, जिला स्तर पर वे भी हमें नियोजित संघ से संबोधित करते हैं। राज्य सरकार भी हमें नियोजित संघ से संबोधित करती है। यह बहुत गौरवमय शब्द नहीं है, हमें गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। वो और हम गति हमारे अपने वरीय शिक्षक से अनुरोध करेंगे, यदि सरकार हमें दो स्तर में विभक्त की है, एक स्तर है पूर्व शिक्षक, पूर्व वेतन मान वाले शिक्षक यानी कि नियमित शिक्षक का दर्जा, तो हमें पूर्व बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों के समान काम के समान वेतन, पेंशन नीति लागू करने सहित सात सूत्री मांगों के समर्थन में आज सीतामढ़ी अम्बेडकर स्थल पर धरना का कार्यक्रम हुआ है। हम इस धरना के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन और बिहार सरकार को ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक को इतना कमज़ोर नहीं समझे सरकार। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, और जिस तरह की साजिश रची जा रही है शिक्षक के साथ ही नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने भी इस चीज़ को पहले बोला था कि निश्चित रूप से शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलेगा ही, लेकिन अपने बात से वापस हो रही है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि समान काम का समान वेतन निश्चित रूप से लागू करें, और बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में कि समान काम का समान दाम निश्चित रूप से वो लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, पेंशन नीति जो है, पेंशन नीति के तहत एक जो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर का भी पेंशन लेता है, एमएलए का भी, एमपी का भी और एमएलसी का भी। अगर चार चार पद पर है तो चारों पद का वो पेंशन लेगा, लेकिन एक शिक्षक जो है उसका पेंशन 1996 से बंद कर दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, बुढ़ापे की जो सबसे बड़ी लाठी होती है वो पेंशन होता है। इस पेंशन को बंद करके सरकार ने जो शिक्षक है उनके साथ नाइंसाफी की है। पुनः सरकार इस पेंशन नीति को चालू करे ताकि उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके, और सरकार के द्वारा जो भी जो नियोजित शिक्षक के चाहे क्या कहते हैं फिक्सेशन का मुद्दा हो या उनके वेतन का निर्धारण का मुद्दा हो, जनरल शिक्षक नियमित शिक्षकों के जो भी वेतनमान के का फिक्सेशन का मुद्दा हो या पुनः उसके एरियर का मुद्दा हो, एसीपी का मुद्दा हो, एक कैंप लगाकर बिहार सरकार इस पर आदेश जारी करे, और जो शिक्षा विभाग के जो तथाकथित पदाधिकारी जो काम नहीं करते हैं, जो कामचोर है, उनको हटाया जाए और उन पर सरकार कार्रवाई करे। धन्यवाद। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में शिक्षक अपने कामों को लेकर बैठे हुए हैं। सीतामढ़ी के तमाम शिक्षक संगठन के द्वारा अम्बेडकर स्थल पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, और जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मांगेगी, हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा।